बात है कि स्क्रिप्ट का बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों बहुत ही बेहतरीन था, और मनीष का मैंने थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे वो भी काफ़ी ठीक लगा। बहुत ही अच्छे कलाकार फिल्म में जुड़े हुए हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगा, और जो किरदार फाइनली मैंने किया वो मेरे करियर में अब तक मैंने नहीं किया था ऐसा किरदार, तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी और यही वजह थी। ये नहीं, ये कोई नहीं सोचता साइन करते टाइम फिल्म के, फिल्म का हम शूटिंग डेट्स होती हैं हमारी, अलग अलग तरह के मसले होते हैं, ये नहीं सोचते कि ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ जाएगी और ये होगा वो, शुरुआत में किसी को आइडिया नहीं होता कि क्या होने वाला है, पर जो भी हो रहा है अल्टीमेट बात तो ये है कि फिल्म बहुत अच्छे से चल रही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। परफॉर्मेंसेस, कहानी, स्क्रीन प्ले, उसका शूटिंग, कैमरा वर्क, हर चीज़ पसंद आ रही है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग जो एक एक्टर को चाहिए होती है, एंड वी आर रियली हैप्पी अबाउट इट। मैं रोल नहीं निभाता, मैं किरदार निभाता हूँ, मैं कॉप नहीं निभाता, मैं सुनील पारस्कर निभा रहा था। तो जब भी मैं किसी चीज़ को निभाता हूँ तो इंसान को निभाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस इंसान को पेश करूँ। रोल जो है बहुत सीमित होता है, वो आप कॉप हो, लॉयर हो, टीचर हो, जो भी हो, आप गिन सकते हैं, 25,000 रोल्स होंगे, लेकिन जो इंसान है वो अनगिनत है। तो दो कॉप जो सुनील है और एक अनिल है, तो मैं अनिल और सुनील को पेश करूँगा, कॉप को नहीं। तो मेरा वो हमेशा से मानना रहा है कि एक्टिंग के समय आप इंसान को पेश कीजिएगा, रोल को मत पेश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कॉप को करोगे तो वही अपना पुराना स्टाइल में लेफ्ट हैंड पे आप डंडा मारते रहोगे, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो वही कर रहा था मैं, और सुनील पारस्कर बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार लगा मुझे, काफ़ी सीधा सोचने वाला बंदा नहीं था, थोड़ी अपनी उसके अंदर एक मैडनेस थी, जो पेश करने में बहुत मज़ा आया।